नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज़। और बात करते हैं अभी की बड़ी खबर की। पहलवानों के धरने में शामिल एक महिला पहलवान ब्रजभूषण शरण सिंह के घर पहुंची है। यह महिला पहलवान पुलिस सुरक्षा घेरे में ब्रजभूषण शरण सिंह के घर पहुंची है। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले में चल रही जांच के बीच एक नया मोड़ आया है। जंतर मंतर पर धरने में शामिल एक महिला पहलवान पुलिस की सुरक्षा में आरोपी ब्रजभूषण शरण सिंह के घर पहुंची। पहलवानों की इस कुश्ती की जंग में महिला पहलवान का इस तरह ब्रजभूषण शरण सिंह के घर पहुंचना कई सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि महिला पहलवान का इस तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह के घर पहुँचना क्या समझौते की कोई कोशिश है। साथ ही एक सवाल यह भी है कि नाबालिग महिला पहलवान का बयान बदलने में इसका कोई कनेक्शन तो नहीं। उधर इंटरनेशनल रेफरी जगवीर का एक बयान सामने आया है जिसमें वह भी ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा, WFI चीफ और उसके साथी नशे में बच्चों के साथ गलत व्यवहार किया। हम सब 2013 में थाईलैंड गए हुए थे, तब पहली बार प्रेसिडेंट को देखा, इस तरह महिला के पीछे खड़ा हुआ था। हाल ही में 17 साल की नाबालिग पहलवान ने ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों को वापस ले लिया है। नाबालिग पहलवान के पिता ने भी इस बात की पुष्टि की है। हाल ही में पहलवान बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात की। इस दौरान पहलवानों ने केंद्रीय मंत्री के सामने चार मांगें रखी, जिनमें एक महिला WFI चीफ की नियुक्ति और उनके खिलाफ पुलिस FIR रद्द करना शामिल है। सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर उन्होंने भारतीय कुश्ती महासंघ के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और एक महिला प्रमुख की नियुक्ति की मांग की है। उन्होंने यह भी कहा कि ब्रजभूषण शरण सिंह या उनके परिवार के सदस्य महासंघ का हिस्सा नहीं हो सकते। साथ ही उन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी अपने मांग को भी दोहराया है। प्रदर्शनकारी पहलवानों को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद सरकार ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात के लिए आमंत्रित किया था। और एक नया मोड़ इसमें आया है कि एक महिला पहलवान जो है ब्रजभूषण शरण सिंह के घर पर पहुंची है, जिसमें दो सवाल खड़े हो सकते हैं। या तो कोई वो बड़े सबूत लेकर वहाँ पुलिस सुरक्षा में पहुंची है, या फिर इसमें समझौते के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन अभी तक की बड़ी खबर है कि कार्रवाई के बीच ये बड़ा कदम उठाया गया है जिसमें एक महिला पहलवान ब्रजभूषण शरण सिंह के घर पहुंची है।